फ्रेंड्स वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग की शेयर नया ब्लॉग। तो होप करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और पीछे हैं शिखा दीदी, शिखा दीदी आ चुकी हैं। शिखा दीदी व्हाट्स अप गाइस। तो शिखा दीदी आ चुकी हैं और हम लोग जा रहे हैं वोट देने। और शिखा दीदी का है फर्स्ट वोट, मेरा तो सेकेंड वोट है और शिखा दीदी का फर्स्ट वोट है। पिछली बार शिल्पा दीदी थी तो शिखा दीदी नहीं थी, और इस बार शिखा दीदी है तो शिल्पा दीदी नहीं है। तो बस मैं तो रेडी हो गई थी पर मम्मी बोल रही है अच्छी नहीं लग रही हो, तो मैं जा रही हूँ चेंज करने। तो बस जाती हूँ फिर दूसरा चेंज करने। हम लोग जा रहे हैं वोट देने, ईशान हम लोग को लेकर जा रहा है, बाकी वोट हम लोग देंगे। तो इसने बैठ गई, ईशान भी बैठ गया है, अब जा रहे हैं हम लोग वोट। गाइस तो हम लोग ने वोट डाल चुका है इसने यहाँ, और हमारा फ़ोन रखवा दिया, हमारा फ़ोन रखवा दिया था इसलिए हमने शूट नहीं कर पाए, नहीं तो हम शूट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे वोट की भीड़। फ्रेंड्स वहाँ पे हम लोगों को जो एंटी लोग बैठी हुई थी, हम लोगों का जो फ़ोन वगैरह रख रही थी, जो ऐसे बैठी रहती है ना, जो लिस्ट वगैरह उनके पास होती है, वो लोग हम लोगों को देख के डर गई कि एक जैसे इंसान दो कहाँ से आ गए, यहाँ से यहाँ कैसे आ गए। फिर वहाँ पे पुलिस वाले अंकल बैठे थे, वो भी पूछने लगे फिर आने लगे, तो उनने भी हम लोगों से फ़ोटो ली, सेल्फी ली, बोल रहे थे कि मैं डालूँगा स्टोरी, ऐसा बोल रहे थे वो पुलिस वाले अंकल। फ्रेंड्स कल है मम्मी पापा की एनिवर्सरी और हम लोग गए थे गिफ्ट लेने, और गिफ्ट लेकर आ गए हैं और अब जा रहे हैं घर। फ्रेंड्स इसने लेकर आ रही है मेरे लिए नींबू पानी। तो बस अभी आए हैं हम लोग और मम्मी बैठी हुई हैं, मम्मी देख रही हैं व्लॉग्स। और अभी ईशान खाना खा रहा है इतनी लेट, और शिखा दीदी ऊपर है। और ईशान वोट डाल दिया ईशान तुमने क्या? हेलो मम्मी डाल दिया ना ईशान ने वोट, डाल के तो आया अभी 16 साल। आप बोल रहे 16 का, ईशान बोल रहे हैं क्यों ईशान? हाँ परेशान फिर भी वोट डाल के आया है ना भैया। हाँ हाँ डाल के आया, इसका मतलब मम्मी पता है वो पुलिस वाले अंकल ने स्नेहा मेरी फोटो ली, फिर उसके बाद सेल्फी ली अपने साथ में। हाँ और वो आंटी पूरी जानकारी ले रही थी हम लोग के बारे में, ऐसा होता है क्या, दूसरा हाथ उठाता है तो दूसरे का उठता है क्या। मैंने बोला हाथ वाथ तो नहीं, पर अगर ऐसा है कि उसको रोना आता तो मुझे तो आ ही जाता है, तो मैंने ऐसा बता दिया था उनको आंटी को। और फिर वो भाभी थी बाजू में, वो पूरी जानकारी दे रही थी इसने मेरे बारे में। तो गाइज हम लोग कहीं भी जाते हैं सब लोग हम लोगों से कुछ ना कुछ पूछ ही लेते हैं। मम्मी इतना बाल सेम है, बहुत सेम है, बोलती हैं कपड़े सेम है, मतलब पूरा जज कर लिया उन्होंने ऊपर से लेके नीचे तक। तो आप क्या बोलना चाहोगे, कुछ बोलना चाहोगे? ये तो होता रहता है हमारे साथ जहाँ जाते वहाँ की मम्मी, कोई नई बात नहीं हमारे लिए। मैं तो ये सोच रही थी कि मम्मी क्या बोलती हैं, इस वजह से मैं इतना पूछी। इसने बोल रही है मम्मी के लिए भी आम बात है। हम भी और हमसे तो ये भी बोलते सेम क्यों पहनते हो, तुम लोग तो जानबूझ के पहनते हो, ऐसा भी लोग बोलते हैं। गाइस तो अब मैं नींबू पानी पी लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ, नहीं तो मेरा नींबू पानी गर्म हो जाएगा। दी आपका फर्स्ट वोट था, तो आपको वोट दे के कैसा लगा? अच्छा लगा, पर ऐसा लगा कि इसने सारे वोट एक ही साथ लगा दी, कुछ ज़्यादा ही लगा दी। तो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस था आज, फिर आपको पता चल गया था कैसे बटन दबानी है, कौन सी आपने देख चुके थे पहले मशीन? नहीं मेरा तो पर सेकंड था, आपसे छोटी हूँ मैं, मेरा फिर भी सेकंड था। अच्छी बात है। और आपने किसको दिया वोट? वो सीक्रेट, जो जीता वही। हाँ और फिर आपका कैसा था एक्सपीरियंस, फर्स्ट एक्सपीरियंस? ठीक था
और अब आप क्या बोलना चाहेंगे? और गुड नाइट, शुभ रात्रि।